हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो मैथ की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने देखा है जहां तक कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ में अभी भी कमजोर हैं और आपका बोर्ड एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आता जा रहा है। तो अभी भी अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो मैथ को पढ़ने में, तो भाई मेहनत करना स्टार्ट कर दो। इस वीडियो में हम लोग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं और अब की बार भी आएंगे, और सारे क्वेश्चन NCERT के हैं। तो आप लोग आज तक देखना। और आपको मैं बता दूं मैथ की एक छोटी सी जानकारी कि मैंने देखा है थोड़ी NCERT से बाहर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बाहर के क्वेश्चन थोड़े मैंने देखा है कि 10 से 15 नंबर बाहर से क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक एज मॉडल पेपर या फिर अनसॉल्व पेपर, इन सब से। तो आप लोग थोड़ा बाहर से भी क्वेश्चन तैयार करना, NCERT से पूरा तैयार कर लेना, फिर थोड़ा बाहर से आप क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NCERT के IMP questions discuss करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लो आपके सामने है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लो। और बड़ा आपको दिख रहा होगा, हाँ स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन था, और अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो ही जाते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक मतलब 100 किलोमीटर की दूरी पर ए और बी दो स्थान है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये जो है कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में जाती हैं, लाइक ये ऐसे एक ही दिशा में जाएंगी, तो क्या होगा कि तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटे में ये मिल जाती हैं। और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, लाइक ये इधर से ये इधर से, ठीक है, तो 1 घंटे बाद मिलती हैं, 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो दोनों कारों की चालें ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों कार की आपको चाल ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्योंकि चाल हमें ज्ञात करना है तो इसे एक्स वाई मानना पड़ेगा। तो यहां आप मान लो जो माना स्थान ए तथा वी, ठीक है, से चलने वाली कारों की चाल, या फिर माना जो स्थान ए है, कौन है, ए तथा वी से चलने वाली कारों की चाल, जो कार है कार की चाल हमें ज्ञात करना है। तो दो कार हैं तो दोनों कारों की चाल जो है, चाल या फिर चाल नहीं, हाँ की चाल कर लो, की चाल, ठीक है, क्या है वो मैं आपको बता दूं। एक्स यहां देख लो, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा तथा वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि मैंने दोनों को मान लिया, और x और y का अगर आप मान निकाल लो तो a और v यानी कि स्थान से चलने वाले कारों का चाल निकल आएगा, यानी कि उनका जो चाल है वो निकल आएगा। बट आपको पता है एक सूत्र जो कि आप लोगों को पता होगा, ध्यान से सारे क्वेश्चंस लगाना, थोड़ा आप लोगों को स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आपको सूत्र पता है, से यहां से आपको ये लगाना है। देखो यहां आपको क्या करना है कि कुछ करना नहीं है, यहाँ समय है तो 5 घंटे हैं, 5 घंटे आपके पास समय है, पहले में देखो 5 घंटे लग जाते हैं, तो 5 घंटे आपके पास समय है, ठीक है, 5 घंटा। और दूरी कितनी है, दूरी आप देख लो, यहाँ दूरी आपका है 100 किलोमीटर, कितना है 100 किलोमीटर, तो यहाँ आप 100 किलोमीटर कर लो, ठीक है 100 किलोमीटर। अब एक बात याद रखना, यहां जो है भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, लाइक एक ही दिशा में अगर चलती हैं, ठीक है, अगर एक ही दिशा में चलेंगी, अगर वे एक ही दिशा में चलेंगी, तो आपको यहां चाल जो है एक्स माइनस वाई करना होगा, x माइनस वाई अगर एक ही दिशा में चलती हैं। और जब कार विपरीत दिशा में चलती हैं, लाइक इस विपरीत दिशा में, तो उसके सापेक्ष जो होगा x प्लस वाई होगा, ठीक है। तो यहां अब आपको भाई यहां से एक समीकरण मिल जाएगा, देख लो क्या मिलेगा, यहां देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो जाएगा 5x-5y इक्वल टू, ये हो जाएगा 100। तो आप सभी में 5 से भाग दे दो तो x-y इक्वल टू 20, ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा, ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। अब ये तो आपको पता चला यहां से, अब यहां 1 घंटे बाद मिलती है, लाइक एक ही घंटा केवल लगता है, एक ही घंटा, ठीक है,
एक ही घंटा लगता है, वहां 5 घंटे लगते थे लेकिन यहाँ एक ही घंटा लगता है। तो अब क्या करना है यहां भी आप, लेकिन यहां दूसरी स्थिति में क्या कह रहे हैं कि दूसरी स्थिति में क्या है, जब कार जो है विपरीत है, विपरीत दिशा में है, ठीक है, विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं, तब सापेक्ष जो चाल होगा वो चाल बराबर होगा x प्लस वाई, वहां x माइनस वाई था लेकिन यहां x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है, x प्लस वाई होगा, लेकिन अब वही समय यहां एक घंटा है, समय बराबर दूरी आपका कितना है, दूरी आपका वही 100 किलोमीटर है, ठीक है, 100 किलोमीटर ही है, एंड यहां आपका x प्लस वाई होगा, एंड यहां आपको x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये आपको समीकरण नंबर क्या मिलेगा, 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर मिल जाए तो फिर तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक लग ही जाते हैं, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, यहां आप समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ दो, जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 को समीकरण 2 नहीं, 1 समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, मैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ देता हूं, तो अगर जोड़ूंगा तो यहां आपको समझना है समीकरण 1 यहां है x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है, और यहां समीकरण 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100। चलो भाई अगर आप यहां मिल गए तो यहां इसे आप क्रॉस कर दो, यानी कि कट जाएगा और यहां हो जाएगा 2x इक्वल टू 120 हो जाएगा, 120 जुड़कर, तो यहां x बराबर अगर बात की जाए तो 120 बटे 2 इक्वल टू x बराबर 60 आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपको आ गया पहला, ठीक है, यानी कि x का मान, तो यहां से 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब भैया कुछ और नहीं करना है, x का मान आप एक में रख दो, समीकरण एक में जो x का मान है, x का मान समीकरण एक में रखने पर, अगर आप समीकरण एक में रख दोगे तो फिर आपको मिल जाएगा समीकरण एक, यहां आप देख लो ये है x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो यहां अब x का मान आपको पता है 60 है माइनस वाई इक्वल टू 20, एंड यहां आप माइनस वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 माइनस 60, और यहां हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, और माइनस से माइनस कट के y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हावर्स। तो यहां से आपको दोनों की चालें आपको अलग अलग मिल चुकी हैं, x और y का चाल, ठीक है। अब कार एक की चाल कितनी है, कार दूसरी की चाल आपको पता चल गया है, कार एक की चाल, जो कार एक की, चाहे जो कार हो आपके पास, कार एक की चाल आया है, एंड कार दो की चाल, दो की चाल, क्योंकि मैंने माना था दो कारों की चाल, तो कार एक की चाल आपका है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे के ही 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बस इतना आपको मिला भैया। ये हैं दोनों और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने काफी अच्छे तरीके से बताया भी है, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में भी आ गया होगा, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये है दूसरा क्वेश्चन, इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, तो ये मैंने देखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गुणनखंड है और हार्ड भी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इजी है, हार्ड भी है, इसीलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है। तो इसे गुणनखंड विधि से आपको हल करना है, ठीक है, गुणनखंड विधि से हल करना है। समीकरण आपका है अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, इसका मल्टीप्लाई इससे करना होता है, ये तो आपको पता है, तो अगर इसका इससे करोगे तो अंडर रूट टू का गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा और 5 × 2 = 10 हो जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट 2x² और जोड़ने घटाने पर 7 और गुणा करने पर 10, तो वो तो आपको पता ही है, 5 + 2 आप कर लो, x प्लस 5√2। यहाँ भाई थोड़ा गुणनखंड अपना तेज कर लो, क्योंकि गुणनखंड आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए मैंने कहा है कि गुणनखंड थोड़ा तेज आपका होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में बहुत ज्यादा एक ना एक आ ही जाता है,
अंडर रूट 2x एंड प्लस 5, यहाँ पर ये आ गया। एंड यहाँ से आपको कॉमन लेना है, क्या कॉमन ले सकते हो देख लो भाई आप लोग, यहाँ से आप अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, अंडर रूट 2, तो यहाँ एक अंडर रूट 2 बचेगा एंड x, और यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, एक बात याद रखना, अगर आप ये कर रहे हो तो ये जो गुणनखंड, इसके दोनों बराबर होने चाहिए, अगर ये दोनों बराबर हैं अंदर की तो फिर आपका सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ x प्लस अंडर रूट 2 एक आएगा एंड यहाँ एक आएगा अंडर रूट 2 x प्लस 5। ठीक है, ये दोनों आ गए, तो अब इनके मूल क्या क्या आएंगे आप अलग अलग देख सकते हो। x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस अंडर रूट 2, एक तो x का मान ये आएगा माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, और दूसरा x का मान क्या आएगा, देखो यहाँ ये फर्स्ट हो गया मूल, और यहाँ अंडर रूट 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि अंडर रूट 2 x बराबर माइनस 5 और x बराबर माइनस 5 बटे अंडर रूट 2। ये हो गया भैया दूसरा मान, और यही दोनों हैं इनके शून्य अंक, यानी कि आपके यही दोनों क्या हैं, मूल हैं। ठीक है, तो इस समीकरण के दोनों अलग अलग x का मान मैंने निकाल दिया, और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कुछ है नहीं। अगर आप ध्यान से सॉल्व करते हो मन लगा के, तो फिर आपका सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखो बहुत ज्यादा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के सामने है, और आप लोग इसे देखिए कैसे लगाओगे। आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, वैसे आप लोग जानते हो कि इसका भी एक समीकरण बनेगा, लेकिन अब दूसरे टाइप से है ये क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। जो उसकी ऊंचाई है वो आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको आधार की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहां आपको मानना पड़ेगा, माना समकोण त्रिभुज है ना, समकोण, तो इसका आधार आप लोग x मान लीजिए, क्योंकि अगर जिस चीज को आपको ज्ञात करना है उसे मानना पड़ेगा, तो आपने x मान लिया। लेकिन यहां एक बात कह रहा है कि इसकी जो आधार की, मतलब आधार की लंबाई से 7 अधिक है, कौन, इसकी ऊंचाई, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, इससे 7 अधिक है। ठीक है, तो त्रिभुज की ऊंचाई आप लिखो, त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, इससे 7 अधिक है, यानी कि एक्स प्लस 7 है, इतना तो आपको पता चल गया। अब यहां आपको क्या ज्ञात करना है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एंड त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया भी है, तो इसीलिए ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। 1/2 इंटू आधार, आधार आपका दिया ही है, आधार इंटू ऊंचाई, जो ऊंचाई दी हुई है, तो ऊंचाई। ठीक है, अब देखो इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया हुआ है, यहां देखो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो यहां 30 लिख लो एंड 1/2 है, एंड आधार इसमें कितना है देख लो, x है, एंड ऊंचाई x प्लस 7 है। ठीक है, x प्लस 7 है, बट ऐसे आप कर लो ब्रैकेट में, क्योंकि इन दोनों में इसका गुणा होगा। अब समझना यह है कि आपका 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड इधर है, अगर इस साइड में है तो ये देखो प्लस 7x। ठीक है, 7x एंड बराबर आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड माइनस 60, ये आपका एक समीकरण बन के तैयार हो गया। क्या बन गया, एक समीकरण बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। अब आपको करना क्या है, गुणा, मतलब गुणा करने पर 60 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7 होना चाहिए। अब ऐसा आपको एक फैक्टर बनाना है, तो कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर आप 12 में से 5 घटाओगे तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा गुणा करने पर, और माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा। तो काफी ज्यादा ईजी हो गया अब आपका क्वेश्चन। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ का आपका हो जाएगा 12x एंड माइनस 5x एंड यहाँ हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप x कॉमन ले लो, तो यहाँ से x प्लस 12 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ से x प्लस, यहाँ से माइनस 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 12 यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 5 1 मिलेगा,
नहीं एक्स लिख दो, यहाँ एक्स माइनस फाइव एक ब्रैकेट में एंड यहाँ एक्स प्लस बारह एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ जो एक्स माइनस फाइव है इक्वल टू शून्य कर लो तो x बराबर आपका 5 हो गया, ये आपका पहला मान आ गया x बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ x प्लस 12 इक्वल टू शून्य, तो यहाँ x बराबर माइनस 12, जो कि ये याद रखना ये जो माइनस 12 वाला है ये अमान्य है, क्या है अमान्य है, इसका कोई मान नहीं है क्योंकि ये जो होता है इसका जो मतलब आधार की लंबाई है वो माइनस में नहीं होती है, तो यही जो है x बराबर 5 है आधार की लंबाई है, तो यही हमें ज्ञात करना था आधार की लंबाई, तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है आधार की लंबाई कुल मिला के 5 आएगा। बस यही इतना था, आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इजी भी था, कोई हार्ड नहीं था। तो यहाँ से आपको तीसरा क्वेश्चन सभी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन समझो जो आपका 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा हुआ है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी कि ऐसे खड़ी है। अभी मैं आपको चित्र के साथ समझाऊंगा। तो धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 सेंटीमीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, यहां देखो ये धरती है, ये आपका धरती है एंड ये मीनार खड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां तक की लंबाई जो है 15 मीटर है, यहां से यहां तक की लंबाई 15 मीटर है, ठीक है, मीटर है। चलो इतना तो आपको पता चल गया। और ये आपका मीनार की ऊंचाई आपको एच मान लेना है क्योंकि हमें एच ही ज्ञात करना है, ऊंचाई ही ज्ञात करना है। और यहां से जो उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। अब ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है तो यहां से आप ए मान लो, ये वी मान लो, ठीक है, ये P मान लो। बस यही एक छोटा सा फिगर है जो कि आपको इस चित्र को समझना है बस, और आपको ये क्वेश्चंस लगा देना है, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ आपको सब कुछ समझ में आ भी गया होगा। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी समझा देता हूँ। आपको लिखना क्या है कि माना जो आपका AV क्या है, AV एक मीनार है, AV एक मीनार है जो कि आपको दिख रहा है, ये AV एक मीनार है या AV एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई यच है, जिसकी ऊंचाई यच है, आपको ऊंचाई भी दिख रहा है यच है, ठीक है। सब कुछ मैं चित्र से लिख रहा हूं और 15 मीटर दूर धरती पर कोई बिंदु P है, 15 मीटर दूर, देखो 15 मीटर दूर धरती से कोई बिंदु P है, या 15 मीटर दूर या फिर 15 मीटर A से, यानी कि आपको यहां थोड़ा सा, या फिर चलो 15 मीटर दूर पृथ्वी पर या धरती पर, आप लिख दो धरती पर कोई बिंदु P है, यहां आप लिख सकते हो ए से 15 मीटर दूर, ए से 15 मीटर दूर, यहां ए से 15 मीटर दूर है ना, तो ए से आप 15 मीटर दूर लिखो, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया, और यहां से आपको समझ में आया पी ए जो है, पी ए बराबर है 15 मीटर, ये जो पी एंड ए 15 मीटर बराबर है। अब आपको लिखना क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए पी बी में, ए पी ए यहां ए पी बी में, ठीक है, यहां tan 60 डिग्री बराबर आपका ए बी यानी कि लंब ए बी बटे आधार पी ए, क्योंकि यहां लंब और आधार ही दिया हुआ है, ये हमें दिया नहीं है, और यहां से एच हमें ज्ञात भी हो जाएगा। तो यहां 60 डिग्री का मान होता है, एच का 60 डिग्री का मान यानी कि tan 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 होता है, और यहां एच है और यहां 15 है, बहुत इजी क्वेश्चन था, और एच बराबर 15√3 मीटर। बस यही आपका छोटा सा क्वेश्चन था जो कि मैंने सॉल्व करा दिया। यहां से हमें एच का मान ज्ञात करना था और एच का मान ज्ञात भी हो गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और है, पांचवा नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाकर अच्छे से समझो, ठीक है। लिखा हुआ है एक धातु के ठोस गोले का व्यास, मतलब धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है,
गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। जैसे गोला है उसे पिघला दिया गया है और एक तार बनाया गया है समान आकार का, ठीक है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। तार का व्यास आपको ज्ञात करना है। तो यहां से अगर हम R का मान ज्ञात कर लें तो तार का व्यास बराबर होता है 2R, यानी कि R का 2 गुना 2R। तो अगर हमें R का मान ज्ञात हो जाए तो 2 में हम गुणा करके उसका व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं। अब R का मान आपको कैसे ज्ञात करना है? कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि यहाँ आपको कुछ दिया है, मतलब धातु के ठोस गोले का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ठोस गोले का आयतन यहाँ आपको लिखना है। सबसे पहले ठोस गोले का आयतन जो है, ठोस गोले के आयतन को पिघलाकर क्या बनाया है? तार, यानी कि अब तार का आयतन लिख लो, तार का आयतन, ठीक है, हम लोगों ने बनाया है। अब ठोस गोले का आयतन जो होता है वो उसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आपको मान रख देना है जो कि आपको पता ही है, ये क्यूब है और ये आर स्क्वायर। देखो यहां जो है ना, ये समझना कि ये जो आर है ये ठोस गोले का व्यास दिया हुआ है, व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो इसकी गोले का त्रिज्या कितना होगा? गोले की त्रिज्या क्या होगा? वो व्यास की आधा होता है, 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर होगा। तो गोले की त्रिज्या आपको दी हुई है लेकिन हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या ज्ञात करके हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसका व्यास ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ आपको 4/3 × पाई आपको दिया है, पाई से पाई कट कर दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3 × 3 × 3 और बराबर यहां से आर स्क्वायर और एच आपको दिया हुआ है, लंबाई आपको दी हुई है 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ 36 सेंटीमीटर आप लिख लो। तो यहाँ से आप 1/3 से 1/3 काट दो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बचेगा 3 × 9 और 9 × 4 = 36 ही बचेगा। तो इधर भी 36 है और इधर भी आर स्क्वायर इंटू 36 है, फिर 36 36 आप बटे में कर लो और इधर आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप कट कर दो आर स्क्वायर बराबर 1 और आर बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई? 1 ही रहेगा। वैसे भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहां से R का मान भी 1 ही आएगा। तो यहां से ये आ गया भैया 1 सेंटीमीटर, ये भी। तो अब आपको तार का व्यास ज्ञात करना है। तो तार का व्यास क्या होगा? तार का व्यास बराबर इसका 2 गुना होता है 2R और R का मान है 1, तो यहां से 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तार का व्यास। तो फाइनली हम लोगों ने 5 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर इस क्वेश्चंस को नोट नहीं किया हो तो नोट कर लो और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।